हेलो माय पीपल, माय फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉयिंग योर लाइफ। वेलकम टू माय चैनल 7777। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है। वो ये है कि आपकी शादी किनसे होगी, हु विल यू मैरी, ठीक है। और रिक्वेस्ट ये था कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बनाने, ठीक है। तो मैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपकी ये जो रीडिंग है फ्यूचर स्पाउस के लिए रख रही हूँ, ठीक है। और इस रीडिंग में मैं सब कुछ देखूँगी, आपके फ्यूचर स्पाउस का नेम, इनिशियल, वो कहाँ से हो सकते हैं, उनका नेचर कैसा होगा, वो पर्सन आपको ट्रीट कैसा करेंगे, फर्स्ट टाइम आप कहाँ मिल सकते हो, कैसे मिल सकते हो, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, जिसके साथ आप अभी हो रिलेशनशिप में, उनसे शादी हो सकती है या नहीं, तो बिल्कुल डिटेल में होगी। फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे, सब कुछ। ऑलराइट, तो ये जो आपकी रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी जेंडर वाले देख सकते हो, ओके। और जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे पाइल सिलेक्शन हम शुरू करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ओके। तो चलिए पाइल सेलेक्ट करते हैं। ऑलराइट, अगर 1 से 16 के बीच अगर आपका बर्थडे पड़ता है तो आप पाइल 1 सेलेक्ट करेंगे, किसी भी मंथ के, ठीक है। किसी भी मंथ के 1 से 16 के बीच आपका बर्थडे पड़ रहा है तो आप पाइल 1 को सेलेक्ट करेंगे। 17 से 31 के बीच पड़ेगा तो आप 20, और अगर 17 से 31 के बीच अगर आपका बर्थडे पड़ता है किसी भी मंथ के तो पाइल 2 को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते तो अपने कार्ड्स भी सेलेक्ट करके आप देख सकते हो, ओके। सो पहला जो कार्ड है पाइल 1 के लिए वो ये है, मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूँगी ताकि जो है आप इंटिटिवली सेलेक्ट करो भगवान का नाम लेके 2-3 सेकेंड, उसके बाद आप सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हो, ओके। दिस इज़ फॉर पाइल 1। पाइल 2 के लिए ये कार्ड है, मैं आपको पॉज करके दिखा देती हूँ और उसके बाद मैं आप मिलूँगी आपको आपके रीडिंग में। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच आपका बर्थडे पड़ता होगा उसको सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ओके। कैसी होगी इस पर्सन की एनर्जी, कैसे ये पर्सन आपको ट्रीट करेंगे, और क्या कुछ चेंजेस ये पर्सन आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं, सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। ऑलराइट, सबसे पहले टैरो के थ्रू क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जो भी इनका प्रोफेशन वगैरह सब कुछ आएगा वो सब कुछ मैं आपको बताते जाऊंगी। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। द हर्मिट का कार्ड है और देखते हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दैट्स ग्रेट। ठीक है, इन सारे कार्ड्स के थ्रू तो 2 कार्ड जो निकले हैं उसके थ्रू तो यही पता चल रहा है कि ये पर्सन जो है अभी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को अकेले रहना, अकेले टाइम स्पेंड करना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में यह होप है या उम्मीद है कि मुझे मेरी प्यार करने वाली पर्सन मिलेगी और वो फ्यूचर स्पाउस के रूप में ही होगी, ठीक है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन को, सॉलिट्यूड को भी इंजॉय करते हैं। मुझे लग रहा है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे और काफ़ी शांत स्वभाव के होंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जब अपने पार्टनर के साथ होंगे, मतलब जब आपकी शादी हो जाएगी इस पर्सन के साथ, तो इस पर्सन का नेचर जो है उभर कर बाहर आएगा। कहने का ये मतलब है ये पर्सन और भी ज़्यादा अपने आप को चेंज कर देंगे, ठीक है। जॉली नेचर के हो जाएंगे, चाइल्डिश नेचर के हो जाएंगे, आपके साथ एंजॉय करेंगे, आपके ऊपर पूरी तरह डिपेंड हो जाएंगे, मतलब आपके प्यार के ऊपर पूरी तरह डिपेंड हो जाएंगे, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 2 साल बड़े होंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे लव मैरिज के भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो अभी। हो सकता है कि वो पर्सन आपके सोलमेट हो, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी दिखाई दे रहे हैं जिनसे आपका झगड़ा होता है, फिर आपकी रियूनियन भी हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उनसे आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। ये पर्सन जो है थोड़ा कम बोलते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं, जल्दी कमिटमेंट देते नहीं, लेकिन हाँ इस पर्सन के दिल में है
ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आगे अपने लाइफ में बढ़ना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिससे आपकी शादी होगी, पहली बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा विजडम भरे हैं ये पर्सन, ठीक है। बहुत तेज, बहुत चालाक, बहुत क्लेवर है, लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और इस पर्सन के साथ आपकी जोड़ी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है। इस कार्ड के थ्रू ये क्लैरिफाई तो हो रहा है कि आप जिससे शादी करने वाले हो वो आपके सोलमेट है, ठीक है। मतलब जिससे आपकी शादी होगी वो आपके क्या होंगे, सोलमेट होंगे। और आपका जो मैरिड लाइफ होगा काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होगा, स्टेबल होगा। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि एंजल ऑफ जो लव होती हैं, एंजल ऑफ लव, उससे आपका, उनके द्वारा आपका जो प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। हर तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको फुलफिलमेंट मिल रहा है, विजडम मिल रहा है, अवेयरनेस मिल रहा है। यहाँ पे ये तो क्लैरिफाई हो रहा है कि मैरिड लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा रोना धोना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, उस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। काफ़ी शांति से आप अपने मैरिड लाइफ को निभा रहे हो और स्पेंड कर रहे हो काफ़ी खुशी के साथ, ठीक है। काफ़ी सिक्योर और स्टेबल आपका मैरिड लाइफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। देन यहाँ है द लवर की एनर्जी, दैट्स ग्रेट। आप देख सकते हो यहाँ पे टू ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ चुकी है एंड यहाँ पे लवर की भी एनर्जी आ चुकी है। इट मीन्स कि आपकी जिससे शादी होने वाली है वो आपके क्या है, सोलमेट है, बिल्कुल क्लैरिफाई हो चुका है 100%, ठीक है। तो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनसे आपकी शादी होने के चांसेस 100% है, ठीक है। और अगर आप सिंगल हो, अरेंज मैरिज में बिलीव रखते हो, अरेंज मैरिज करने वाले हो, तो यहाँ पे उनके लिए भी काफ़ी अच्छा न्यूज़ है कि जिनसे आपकी शादी होगी आप उनसे कभी मिले नहीं हो, ये नए पर्सन होंगे आपके लाइफ में, ठीक है। और ये पर्सन आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, चाहे वो अरेंज मैरिज ही क्यों ना हो, प्यार आपका बहुत ज़्यादा रियल होगा, ट्रू होगा, सोलमेट होगा। काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपका जो मैरिड लाइफ होगा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और ऐसा दिखाई दे रहा है जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, चेंजेस होगा, और इस पर्सन के आने की वजह से आपके लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। मतलब जो भी आपके काम रुके पड़े हैं क्या हो जाएंगे, होने लगेंगे और बहुत तेज़ी से होने लगेंगे जो भी काम रुके पड़े थे, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जिस तरह का आप मैरिड लाइफ चाहते हो उस तरह की मैरिड लाइफ आपको मिलते हुए दिखाई यहाँ पे पड़ रही है, ऑलराइट। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, ये पर्सन जो है हो सकता है कि ये पर्सन किसी और स्टेट के होंगे या फिर किसी और कंट्री के होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके स्टेट के तो नहीं है, ना ही आपके कंट्री के दिखाई दे रहे हैं। ये जो पर्सन है कहीं से ट्रैवल करके आपसे मिलने को आएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप जो है भी रिलेशनशिप में हो और ये पर्सन जो है आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, या तो आप मिलने जा रहे हो या फिर आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर फिर से क्लैरिफाई हो रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज तरार है, ठीक है। जो भी अपने लाइफ में करते हैं बहुत चलाकी से करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर ये पर्सन शादी भी कर रहे हैं, कमिटमेंट भी दे रहे हैं, तो इनका ट्रू कमिटमेंट होगा, ठीक है। कोई भी झूठा कमिटमेंट ये पर्सन नहीं देने वाले हैं, ये सारी चीज़ों पर बिलीव रखते ही नहीं है। झूठ बोलना, धोखा देना, ये काफ़ी इनका स्टैंडर्ड अलग दिखाई दे रहा है। हाई लेवल के पर्सन दिखाई दे रहे हैं, तो चैरियट की एनर्जी है, ठीक है। और ये पर्सन आपके लाइफ में सडन चेंजेस, इनलाइटमेंट लेकर आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। ये पर्सन आपको ऑनलाइन भी मिले होंगे, बहुत सारे लोगों की एनर्जी है यहाँ पे ऑनलाइन जो है। आपने शादी के लिए कहीं पे अपना प्रोफाइल वगैरह बनाया है, लाइक मैट्रिमोनियल, तो वहाँ पे भी आपको ये पर्सन मिल चुके हैं, ठीक है। इनसे आपकी बातें होती हैं, इनकी जो बातें हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, लुभाती है, इम्प्रेसिव एनर्जी है इस पर्सन की। फर्स्ट टाइम जब इस पर्सन से आपकी बातें होगी या फिर आपसे बातें की होगी तो काफ़ी डिफरेंट होगी इनका सोच, काफ़ी डिफरेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होंगे ये पर्सन, और इनका जो काम होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा, ठीक है। जो भी कुछ भी बिजनेस भी करते होंगे तो काफ़ी डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो यह दिखाई दे रहा है कि पर्सन कोई बिजनेस ही कर रहा है, ठीक है, और बिजनेस में इनका कोई फैमिली बिजनेस नहीं होगा, इन्होंने खुद ही अपना कोई बिजनेस बनाया है और काफ़ी आगे उस चीज़ को लेकर जा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन को बुरे चीज़ की और अच्छी चीज़ की, दोनों चीज़ की काफ़ी अच्छे से परख है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जो है बुरी चीज़ की परख नहीं होती और उसको अच्छा चीज़ समझ कर अपने लाइफ में ले आते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपको बहुत अच्छे से पहले आपके बारे में जानेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद ही ये पर्सन आपसे शादी करेंगे या कमिटमेंट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, सेल्फ डिसिप्लिन है, सब कुछ है, लेकिन ये पर्सन आपके लवर भी हैं, आपके सोलमेट भी है, ठीक है। इट मीन्स कि इस पर्सन के साथ आपका सच में बहुत अच्छा बाउंडिंग रहेगा। ये पर्सन जो है
अगर आप अपने लाइफ में कोई गलती भी करते हो तो समय समय पे ये पर्सन आपको संभालेंगे भी। कहीं आप कोई गलती कर रहे हो तो वहाँ पे ये पर्सन आपको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, बताएंगे कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आपको कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है वो सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि इंसान जो है कभी कभी बहुत तेज़ होता है, तरार होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है अपने डिसीज़न अच्छे से नहीं ले पाता है। ये चीज़ इनमें भी थोड़ी थोड़ी कभी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन भी जो है वैसे बहुत तेज़ है लेकिन कभी कभी अपने डिसीज़न को सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। तो हो सकता है इस चीज़ में आप अपने पर्सन की काफ़ी ज़्यादा क्या करोगे, सपोर्ट करोगे, पहली बात। और यहाँ पे ये भी चीज़ है आपके लिए भी कि इंसान कितना भी तेज़ क्यों ना हो जाए, कभी कभी अपने लाइफ को नहीं, अपने लाइफ में डिसीज़न सही नहीं ले पाता है, तो ये पर्सन जो है आपको बहुत अच्छे से आगे चल के गाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है एक टीचर की तरह भी आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये पर्सन एक टीचर भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये बाहर किसी कंट्री में इंडिया की ही जॉब हो, जॉब है लाइक IFS ऑफिसर होते हैं, ठीक है, तो इंडिया की ही जॉब है लेकिन बाहर इनको पोस्टेड किया गया है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और देखते हैं गवर्नमेंट जॉब में ये पर्सन हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। ओके, देखिए 4 of Cups की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके तरफ रिश्ता आएगा, ठीक है, किसी रिलेटिव की तरफ से रिश्ता आ सकता है। वैसे इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे इनको प्रपोजल वगैरह मिले हैं लेकिन इनको ऐसा लगता है कि कोई भी मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कहने का मतलब है सभी के साथ ये पर्सन कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, सभी के साथ ओपन अप नहीं हो जाते हैं, ये पर्सन थोड़े से इंट्रोवर्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, थोड़े कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, सभी के लिए दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपके लिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है सभी से जो है खुलकर बातें नहीं करते हैं, ना ही किसी पे इजली ट्रस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास में कुछ बुरा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस इनका ऐसा नेचर है कि ये पर्सन जो है सभी के साथ घुल मिलते नहीं है, ठीक है, थोड़े से घमंडी हो सकते हैं ये पर्सन। लेकिन हाँ, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन किसी ऐसे पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं जो इनको अच्छे से समझे, जिसके साथ ये पर्सन कंफर्टेबल हो जाए, और वो पर्सन होगे आप, ठीक है। इसलिए जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ये इस पर्सन के लाइफ में जब आप जाओगे तो ये पर्सन का नेचर, स्वभाव बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। ये पर्सन आपके साथ एंजॉय करेंगे, एक बच्चे की तरह खेलेंगे, कूदेंगे और घूमने फिरने को जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, हनीमून पे जाएंगे, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को बहुत सारे प्रपोजल, बहुत सारी लड़कियों से प्रपोजल मिले हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो बहुत रिच है, यंग है, स्मार्ट है, हैंडसम है, ठीक है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लेना। अगर मेल देख रहे हो फीमेल के लिए तो ये जो आपकी वाइफ होंगी वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी और इनको भी बहुत सारे प्रपोजल मिले होंगे लेकिन ये कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं किसी के साथ भी, इसलिए किसी का भी प्रपोजल इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है इनको बहुत सारे प्रपोजल मिले हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते। इनको लगता है कि अगर इसके साथ रिलेशनशिप में आऊँगा तो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये पर्सन जो है कुछ लोगों के लिए हो सकता है अरेंज मैरिज में बिलीव रखते हैं और ये पर्सन आप जैसे किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी जल्दी आप लोग मिलने वाले भी हो, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है, इस कार्ड के थ्रू मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप जो है ना, अगर आप सिंगल हो भी अपने लाइफ में तो काफ़ी जल्दी मिंगल होने वाले हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, आपकी तरफ कोई रिलेशनशिप आते हुए दिखाई पड़ रहा है मुझे। तो डेवल की एनर्जी है, देखिए जिससे आपकी शादी होगी वो पर्सन थोड़े पॉसेसिव नेचर के होंगे, ठीक है, थोड़े कंट्रोलिंग नेचर के होंगे, थोड़े घमंडी होंगे, थोड़े झगड़ा वगैरह दिखाई दे रहा है कि हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। अगर आप समझदार हो, चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर रहे हो तो सिचुएशन जो है आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि आप जो है अपने दिमाग में खुद ही चिड़चिड़ापन रखोगे तो खुद ही ज़्यादा झगड़ा जो है बढ़ते जाएगा, लेकिन झगड़ा को जो है आप खुद भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसेसिव एनर्जी थोड़ी सी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है कि पर्सन थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है। ये हो सकता है कि आप अपने पर्सन को थोड़ा कंट्रोल करोगे, आपको लगेगा कि इनके तो बहुत सारे वेल विशर हैं, सपोर्टर हैं, इनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, कहीं ये किसी और के पास ना चले जाए, तो कहीं आप इस पर्सन को कंट्रोल ना करने लगो। तो ये एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है कि आप जो है थोड़ी कंट्रोल करने की इस पर्सन को कोशिश कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को जो है ना आप लोग मैनेज कर सकते हो बात करके, बैठ के, ठीक है, ऑलराइट। और देखते हैं,
लेकिन ओवरऑल एनर्जी ये है कि द लवर की एनर्जी है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है इसलिए क्योंकि आप जो है गलत रास्ते पे ना भटको। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये जो पर्सन है एक टीचर की तरह भी आपके लाइफ में आएंगे, रोल प्ले करेंगे, ठीक है। इस वजह से भी हो सकता है कि आप कहीं गलत रास्ते पे जाओ, ठीक है, किसी गलत पर्सन से बात कर रहे हो, तो हो सकता है उस केस में ये पर्सन आपको रोकेंगे रोकेंगे टोकेंगे कंट्रोल करेंगे, तो ये एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। और देखते हैं, ऑलराइट, थ्री कार्ड्स और लेंगे। ये पर्सन चैरिटी वगैरह बहुत ज़्यादा करते होंगे, लोगों की सेवा बहुत ज़्यादा करते होंगे, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी शादी काफ़ी धूमधाम से होगी, ठीक है, चाहे आपकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स भी जो है आपके शादी से, आपके रिश्ते से क्या हो जाएंगे, अग्री हो जाएंगे, मान जाएंगे, और आपकी शादी काफ़ी धूमधाम से होगी और पूरे रिचुअल्स, रीति रिवाज के साथ आपकी शादी होते हुए दिखाई पड़ रही है। ओके, एक कार्ड और लेंगे, प्लीज एंजल हेल्प मी गाइड मी। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी फैमिली का कार्ड है, टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है, तो शादी के शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, सामने से हो सकता है प्रपोजल आने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, या फिर जैसे कि शादी, जैसा कि सामने वाले पर्सन आपको देख के जा रहे हैं, ठीक है, ठीके? उसके बाद उनके हाँ का इंतज़ार आप थोड़े दिन करोगे, काफ़ी दिन हो सकता है कि करना पड़े, उसके बाद हाँ का आंसर आपको मिलेगा, उनका आंसर मिल सकता है हाँ में। तो शादी के पहले थोड़े बहुत मुझे लग रहा है कि रुकावट हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जब आपकी शादी जब होने वाली रहेगी, जिस टाइम से शादी होगी, ठीक है, उस दिन से आपका लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे भी थोड़ी बहुत रुकावट हो शुरुआत में, लेकिन आगे चल के जब आपकी शादी हो जाएगी और जिस दिन शादी हो रही है उस दिन काफ़ी धूमधाम से आपकी शादी होते हुए दिखाई पड़ रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि मे भी आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, लाइक आपके रहने सहने का तरीका, लाइफ स्टाइल में, आप जहाँ रह रहे हो वो जगह हो सकता है आप वहाँ रहो ना, किसी और स्टेट में चले जाओ या किसी और कंट्री में चले जाओ, ज़्यादा चांसेस ये है कि आप किसी और स्टेट या किसी और सिटी में शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, अपने लाइफ को एंजॉय करोगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे भी आप दोनों मिलके कोई बहुत बड़े काम करोगे, जिसके वजह से आपके पेरेंट्स और आपके पार्टनर भी जो है दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पर्सन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, कोई फेमस पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या तो ये पर्सन स्पोर्ट्स के हो सकते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर IAS IPS ऑफिसर हो सकते हैं, नेवी आर्मी में हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मॉडल दिखाई दे रहे हैं, फैशन डिजाइनर दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ फेमस पर्सनालिटी है इस पर्सन की जो कि यहाँ पे मुझे बता रही है, ठीक है। कार्ड्स तो देखिए, थोड़ी सी जो है आपके और आपके पर्सन के बीच में मे बी अनबन हो सकती है, इसलिए क्योंकि आपके पर्सन कभी अपने आप को डोमिनेंट दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे है, क्योंकि ये पर्सन जो है थोड़े से घमंडी दिखाई दे रहे हैं, तो ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे वो लोगों की सेवा बहुत ज़्यादा करते होंगे, इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखते होंगे, लोगों की मदद करते होंगे, बूढ़े बुजुर्ग की स्पेशली काफ़ी ज़्यादा मदद करते होंगे, इनका जो अटैचमेंट है ग्रैंड माँ से, ठीक है, ग्रैंड फादर से काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन किसी के साथ पहले कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, मे बी स्कूल में या कॉलेज में रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली आई लव यू कहना होता है तो वो हुआ होगा इनका, वो भी कम ही चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पर्सन जो है आपके साथ इनका जो प्यार होगा वो बिल्कुल ट्रू होगा, ट्रू कमिटमेंट होगा। बाउंडिंग क्लियर करते हैं कि कैसी बाउंडिंग होगी इस पर्सन के साथ आपकी। प्लीज एंजल हेल्प मी गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, कैसी बाउंडिंग होगी। ओके, ये तो क्लैरिफाई रहा है कि थोड़ी बहुत आप लोगों के बीच में डिबेट झगड़ा वगैरह हो सकता है, लेकिन कभी भी झगड़ा होगा तो ये पर्सन ऐसे नहीं है कि पूरे घमंडी है तो आपको उस स्थिति में छोड़कर चले जाएंगे। अगर इनकी गलती होगी तो ये पर्सन घुटनों के बल बैठकर आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, ये एनर्जी भी है इस पर्सन की, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है
पढ़े लिखे हैं तो सिचुएशन को अच्छे से समझेंगे, प्यार है, एम्पैथेटिक पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और पैशनेटली ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, तो ये पर्सन आपको आपके सामने झुककर माफ़ी भी मांगेंगे। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है अबंडेंस का कार्ड, ठीक है, पैसे की कमी तो कभी नहीं होगी, ठीक है, तो जो भी बेसिक नीड्स होती है उन सारी चीज़ों की कमी नहीं होगी। देन यहाँ पे प्यार की भी कमी नहीं होगी, झगड़े होते हैं जहाँ प्यार होते हैं, ये सभी को पता है। एंड कमिटमेंट, कमिटमेंट का भी कार्ड है, मतलब कि जो भी चीज़ें आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है, उसके साथ साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ करने का कहने का मतलब है ये पर्सन जो है आपको मे भी थोड़ा बहुत टोक सकते हैं कि आप कुछ भी करने जा रहे हो तो थोड़ा बहुत उसमें टोक सकते हैं, या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, अगर कोई कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें आप भी जो है टोक सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड है, यहाँ लव्स का कार्ड है, देन अबंडेंस है, तो यहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा बहुत भर भर के कमिटमेंट इस पर्सन से मिलने वाला है, इनका ट्रू लव होगा, ठीक है। जितना आप इस पर्सन से प्यार करोगे उससे कई गुना ज़्यादा ये पर्सन आपसे प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, थीके? तो बॉन्डिंग जो है काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है आप लोगों की। ओके, वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको वैल्यू काफ़ी ज़्यादा करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको आप दोनों के बीच झगड़ा होता है और आप सोचते हो कि कोई और आप दोनों के बीच है तो ये पॉसिबल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। हम फैमिली में होते हैं तो फैमिली में भी झगड़ा होता है, तो क्या हमारे बीच कोई आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में भी थोड़े बहुत कभी झगड़े हो भी जाएंगे, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच कभी कोई आ नहीं सकता है। आप लोग जो है इमोशनली स्पिरिचुअली जो है अटैच्ड होगे और फिजिकली भी आपके पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे। ये झगड़ा इसलिए होगा क्योंकि ये पर्सन आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, आपकी वैल्यू करते होंगे। आप सोच कर देखो कि अगर आपसे कोई प्यार कर ही नहीं रहा है तो आप कुछ भी करो अपनी लाइफ में उसके कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये पर्सन आपको रोकेंगे टोकेंगे, थोड़े पोसेसिव होंगे इसलिए क्योंकि आपसे ये पर्सन प्यार करेंगे, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन इस पर्सन की लाइफ में आप रहोगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर इनको एक्सेप्ट करना होता, किसी के साथ शादी करनी होती, रिलेशनशिप में आना होता, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे इस पर्सन के पास, ठीक है, ये जा सकते थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन ने आपका इंतज़ार किया और ये पर्सन आपसे शादी कर रहा है, ठीक है। सोलमेट की भी एनर्जी है, साथ साथ यहाँ पर आपकी एनर्जी जो दिखाई दे रही है ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। देखते हैं एंजल से गाइडेंस और आपके इन लॉज कैसे होंगे। ठीक है, आपको यहाँ कहा जा रहा है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इन लॉज को लेकर घबरा रहे हैं, परेशान हैं कि आपके इन लॉज कैसे होंगे, तो यहाँ से कहा जा रहा है पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके इन लॉज जो है मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जब भी आप अपने पर्सन से मिल रहे हो, शादी करने वाले हो, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं, ठीक है, शादी की बातें हो, रिश्ता चल रही, तो उसके बारे में अच्छे से जानिए, स्पेशली इन लॉज के बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन गेन करना है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। और देखते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपका रिश्ता लग सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ कोई बेहतर रिश्ता आपकी तरफ आएगा जिनसे आपकी शादी होगी, ठीक है, या फिर विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ अगर आपने अपने पेरेंट्स को बताया है कि मुझे इससे शादी करनी है तो आपके पेरेंट्स मान सकते हैं, ठीक है। ओके, ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड आया है, तो ईयर फ्रॉम नाउ आपकी शादी होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इन लॉज के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपके इन लॉज वैसे अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी जब शादी आप कर रहे हो तो सब कुछ अच्छे से जान लो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड है, तो आप जो भी अपने लाइफ में करने वाले हो तो अपने इंट्यूशन को सुनकर समझकर ही करना है, ठीक है। ऑलराइट, देखते हैं कि आपके पर्सन का जोड़ी साइन क्या होगा। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। कैप्रिकॉन, आपके पर्सन का जोड़ी साइन कैप्रिकॉन हो सकता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे ये पर्सन, अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे, थोड़े बिजी भी रह सकते हैं, ये भी दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ये पर्सन जो है फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ठीक है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, जिम जाने वाले पर्सन होंगे, योगा करने वाले पर्सन होंगे, ठीक है। और देखते हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे, मतलब आपके ऊपर कोई उंगली उठा दे ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है।
तो बहुत सारे लोग जो है इनसे डरते भी है, ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, इंटेंशनली प्यार करेंगे, ठीक है। इस पर्सन को फर्स्ट टाइम आप देखकर जो है ना इस पर्सन के ऊपर क्या हो जाओगे, फ्लैट हो जाओगे, इनके लुक्स को देखकर ये पर्सन पे आप जो है बिल्कुल फिदा हो जाओगे। और देखते हैं टॉरस, ये पर्सन जो है कोई नेचुरल प्लेस से हो सकते हैं, ईस्ट इंडिया के हो सकते हैं, साउथ इंडिया के भी हो सकते हैं, मतलब वैसे प्लेस से हो सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीज हो, माउंटेनियस एरिया हो, ठीक है, और इनको नेचर जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। और देखते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का लुक जो है एक गॉडेस की तरह, गॉड की तरह होगा, बहुत ब्यूटीफुल होंगे ये पर्सन, इनका जो सोल है वो काफ़ी ज़्यादा पवित्र दिखाई दे रहा है। एंड जेमिनाई इस पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है, ओके। और देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के भी ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट हो सकते हैं, एस्ट्रोनॉट हो सकते हैं। सैजिटेरियस इस पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है, तो ये पर्सन जब फर्स्ट टाइम इस पर्सन से आप मिलोगे तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है, ये पर्सन हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऑलराइट। और ये पर्सन आपसे प्यार जो करेंगे ना काफ़ी ट्रू होगा, प्योर होगा, लॉयल होगा, ठीक है, इंटेंसली होगा और इंथुजियास्टिकली पर्सन आपसे प्यार करेंगे। ये पर्सन जो है मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब में दिखाई दे रहे हैं, या फिर अगर बिजनेस में होंगे तो इस पर्सन के पास अथॉरिटी पावर दिखाई दे रहा है। एक लास्ट कार्ड है लिब्रा, ओके दैट्स ग्रेट। ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आप सच में बहुत ज़्यादा ट्रू लव करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप दोनों के बीच में इक्वालिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है कैंसर का कार्ड है, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, ठीक है। तो ये पर्सन जो है प्रोटेक्टिव है, डिवाइन फेमिनिन की भी एनर्जी इस पर्सन के अंदर दिखाई पड़ रही है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छे से आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, एक बच्चे की तरह भी रखेंगे। तो यहाँ पे इसलिए दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपको कंट्रोल इसलिए करेंगे क्योंकि जिस तरह से पेरेंट्स हमारे चाहते हैं कि हम कहीं गलत रास्ते पर ना भटके, इसलिए हमारे पेरेंट्स भी हमें कंट्रोल करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो भी इस तरह की ही सोच रखते होंगे और आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे और केयर करेंगे और थोड़ा सा कंट्रोल भी आप पे कर सकते हैं। और या फिर ये भी हो सकता है, आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप भी ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। ये सारी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। देखते हैं आपके पर्सन कहाँ के हो सकते हैं। ब्राज़ील, आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इराक, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, इंडोनेशिया, बेल्जियम, नेपाल, फ्रांस, एक लास्ट देखते हैं ईरान। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, ये स्टेट हो गए, सॉरी कंट्री हो गए। अब स्टेट देखते हैं, गुजरात, मेघालय, त्रिपुरा, हरियाणा, केरला, नागालैंड, ओके, उड़ीसा, पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी। और देखते हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, गोवा, छत्तीसगढ़, एक लास्ट देखेंगे वो है वेस्ट बंगाल, ओके। सो ये सारे स्टेट है, कंट्री भी देख लिया और देखते हैं ये पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा, ओके। N, C, Y, I, E, O, P, H, J, B, G, R, M, W, S, D, Z, V, A, F, ओके।
सो ये सारे आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। सो अब हम क्लैरिफाई करेंगे कि इस पर्सन का प्रोफेशन क्या होगा। अकाउंटेंट्स, म्यूजिशियन, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एयरफोर्स ऑफिसर, मैजिशियन, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर, एक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गेम मेकर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, टीचर, ट्यूटर, एडवोकेट, बैंक क्लर्क, ओके, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, डॉक्टर, पेंटर, मेकअप आर्टिस्ट, गाइडर, बिजनेसमैन, बिजनेसवुमन, एक लास्ट देखेंगे वो है यूट्यूबर। ओके, सो ये सारे इनके प्रोफेशन हो सकते हैं। देखते हैं ये पर्सन से फर्स्ट टाइम आप कहाँ मिलोगे। तो गैलरी, स्टोर, वर्क प्लेस, ऑलराइट, सिनेमा, म्यूजियम, ऑर्फनेज, लाइब्रेरी, चर्च, जिम, फ्रेंड्स होम, हॉस्पिटल, कैफे, ऑफिस, साइबर कैफे, नियर होम, पार्क, टेंपल, होम, ट्रेन स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन, ओके, इंस्टीट्यूट, एक लास्ट देखेंगे वो है इन बिजनेस, बिजनेस में मिल सकते हो। ठीक है, इस पर्सन का लुक्स कैसा होगा वो भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्ट्रेट हेयर हो सकता है इस पर्सन का, ब्लॉन्ड हेयर, ओके, क्रूप्ड लिप्स, टॉल नोज, पॉइंटेड नोज, इसमें नेचर भी है तो ये पर्सन हैप्पी होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ से। एंड और देखते हैं, ग्लोरियस, ऑलराइट, ब्रेव, रोमांटिक, ऑलराइट, स्टाइलिश, एंड ब्लैक आइज हो सकता है इस पर्सन का, वाइट लिप्स हो सकता है, जेंटल, आलमंड आइज, फ्लैट नोज, इनक्रेडिबल, क्लोज सेट आई, ईगो सेंट्रिक, स्ट्रिक्ट, सेल्फ डिसिप्लिन्ड, पेट्स एंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, एक लास्ट देखेंगे वो है टॉल। ठीक है, तो ये सारे इस पर्सन के नेचर और लुक्स हो सकते हैं। सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। चलते हैं पाइल टू की रीडिंग पे, देखते हैं पाइल टू के लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल टू, हो क्या आप अपने इस बर्थडे 17 से 31 को सेलेक्ट करके आए होंगे, ठीक है, या फिर आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कि कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू क्लैरिफाई करेंगे कि कैसे होंगे आपके पर्सन। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, जुपिटर का कार्ड है यहाँ पे, एक्वेरियस। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के है, ठीक है। ये पर्सन को फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये पर्सन पतले दुबले हो सकते हैं, लुक्स अच्छा होगा, थोड़े सांवले हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ज़्यादा चांसेस फेयर दिखाई दे रहे हैं लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए सांवले भी ये पर्सन हो सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप मैच भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ्रीडम लविंग होंगे, फ्री रहना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। या तो हो सकता है पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, इनको बहुत ज़्यादा फ्रीली नहीं रखा गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से वंचित रखा गया। लाइक यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इनको बहुत सारे सुख सुविधाएं पास्ट की एनर्जी में नहीं मिली, ठीक है, पास्ट के टाइम में। तो वो सारी चीज़ें ये पर्सन अभी अपने ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है। इसलिए मुझे सबसे स्पेशली दिखाई दे रहा है कि फ्रीडम इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री फ्री नहीं रह पाते थे, अपने पसंद की चीज़ ये पर्सन अपने लाइफ में कभी नहीं कर पाए, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो वो सारी चीज़ें ये पर्सन अब जाकर करना चाहते हैं, ठीक है। तो शादी के बाद ये पर्सन जो है फ्री रहना चाहेंगे। कहने का ये मतलब है ये पर्सन आपको भी फ्रीडम देंगे, साथ साथ ये पर्सन खुद भी फ्री रहना चाहेंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर ये पर्सन कुछ कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें खुद के पसंद से करें। आप कोई फोर्स ना डालो, कुछ
कहो ना बीच में, तो वो सारी चीज़ें पर्सन चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है फ्रीडम से, ये पर्सन जो है एक खुली किताब की तरह रहेंगे, ये पर्सन आपके सामने हर सारी चीज़ें बताएंगे जो भी इनके साथ हुआ या फिर हो रहा है या फिर कोई भी प्लानिंग है इस पर्सन का, तो सब कुछ ये पर्सन आपके साथ शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन एक खुली किताब की तरह रहेंगे आपके सामने, हर कुछ आपको पता रहेगा इस पर्सन के बारे में। दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी इनको हर बातें बताओ, जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, प्लान सेट करके रखा है, कोई गोल है, कोई एम है, तो वो आप इनको बता दो ताकि ये पर्सन आपको सपोर्ट करे, ठीक है। तो इतना तो बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है सपोर्टिव बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, फ्रीडम लविंग होंगे, फ्रीडम देंगे, फ्रीडम आपसे भी चाहेंगे कि आप भी इनको फ्री रखो, साथ साथ ये पर्सन आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, इसलिए चाहेंगे कि आप जो है इनको सब कुछ खुलकर बताओ, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी एम है। तो यहाँ पे एक ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये कंफर्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, कंफर्टेबल मैरिड लाइफ चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि पर्सन से जिसकी आपकी शादी होगी वो आपके लवर हो सकते हैं, मतलब जिसके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हो वो हो सकते हैं, मतलब आप लोग जो है ना, अगर आपकी अरेंज मैरिज भी होती है तो शादी को फिक्स करने से पहले आप लोग जो है एक दो मंथ टाइम स्पेंड करोगे, बातें करोगे, डेटिंग पे जाओगे, ठीक है, उसके बाद ही ये पर्सन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, या तो इस पर्सन की पास्ट की एनर्जी बहुत बुरी रही है, बैड एक्सपीरियंस इस पर्सन ने फेस किया है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए पर्सन डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ये पर्सन पहले किसी के साथ शादी कर चुके होंगे, या फिर आप भी फर्स्ट मैरिज वाले, सेकेंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले हो सकते हो, और उस मैरिड लाइफ में इस पर्सन ने बहुत प्रॉब्लम फेस किया है, इसलिए दोबारा ये चीज़ फेस नहीं करना चाहते, इसलिए पर्सन सब कुछ सोच समझ कर करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिसकी फर्स्ट मैरिज होगी, तो हो सकता है रिलेटिव या फिर अपने घर में बहुत ज़्यादा इनको परेशान किया गया, सताया गया, ठीक है, वो प्यार नहीं मिला, तो यहाँ पे ये एनर्जी है इस पर्सन की पास्ट की, तो वो सारी चीज़ें उसको फिर से दोबारा लाइफ में फेस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए पर्सन पहले सब कुछ सोच समझ कर देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। वैसे तो पहले नज़र में ही इस पर्सन को आप पसंद आ जाओगे, लेकिन सिर्फ लुक्स नहीं होता है मैटर करता है, नेचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सभी के लिए। तो ये पर्सन आपके नेचर को भी समझेंगे, जब आप दोनों टाइम स्पेंड करोगे तब एक दूसरे को जानोगे, एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, करेजियस फील करोगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लकी भी फील करोगे, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार से ट्रीट करेंगे। कभी आप लोग डेटिंग बैठे रहोगे, कॉफ़ी लाइक सिसिडी में बैठे रहोगे, तो ये पर्सन अपने हाथों से आपको चाय पिलाना, कॉफ़ी पिलाना, ठीक है, लाइक या फिर कभी और कहीं जाते हो पकौड़े वगैरह खिलाना, कुछ भी अपने हाथ से बनाकर खिलाना, तो काफ़ी डिफरेंट एनर्जी इस पर्सन की है, ठीक है। इस पर्सन का सोच बहुत डिफरेंट है प्यार को लेकर, ये कुछ डिफरेंट, ये कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, लाइक रोमियो जूलियट, इनका प्यार मतलब प्यार के लिए एक मिसाल बनना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। तो आपको एक सिंपल सा मैरिड लाइफ नहीं देंगे, लाइक ये जॉब कर रहे हैं, जॉब के लिए चले गए, आप जॉब के लिए चले गए, फिर रात में आके थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिए, तो वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये पर्सन कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, वो आप ज़रूर देखोगे। ये पर्सन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के हो सकते हैं, ये पर्सन साइंटिस्ट हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। एनर्जी इनकी रिबेलियस है बहुत ज़्यादा, किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते, ठीक है, और आइडियलिस्टिक भी है, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ओके। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आप लोग भी बहुत सारे लोग जो है टीचर हो सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के हो सकते हो, आपका कोई बिजनेस, आपका कोई कंपनी हो सकता है, या फिर आपके पर्सन का होगा, ठीक है। देखिए ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इन्होंने अपने बलबूते पे बहुत सारी चीज़ें हासिल की है, और साथ साथ इन्होंने खुद भी अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी दिखाई दे रहे हैं, और आप जब इस पर्सन के लाइफ में जाओगे तो लकीएस्ट पर्सन बन जाओगे, ठीक है। आप भी इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी हो सकते हो, ठीक है, जो कि इस पर्सन ने प्यार के लिए इतना ज़्यादा तरसा और वो प्यार आप दे रहे हो, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जोडिक साइन इस पर्सन का, वाओ दैट्स ग्रेट, इस पर्सन का जोडिक साइन कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इस पर्सन की जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल कर आएगी। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, सभी के लिए, ठीक है, वैसे तो दिखाई दे रहा है अपने फैमिली के लिए भी इमोशनल है, सेंसिटिव है, लेकिन आपके साथ जो अटैचमेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन एक मदर की तरह, मदर फिगर दिखाई दे रही है, एक मदर की तरह या फिर एक बहन की तरह नेचर दिखाई दे रहा है, कि आपकी केयर करेंगे, आप कभी बीमार हो, ठीक है, या फिर
कुछ भी हो रखा है तो ये पर्सन सब कुछ छोड़कर आपके पास बैठे रहेंगे, आपकी देखभाल करेंगे, आपको लाइक वार्म वाटर चाहिए या लुक वार्म वाटर चाहिए तो ये ला कर देंगे, ठीक है। और आप भी कंफर्टेबल फील करोगे, जो भी चीज़ें आपको चाहिए होगी आप आराम से कह दोगे, जैसे घर में अपने फैमिली मेम्बर को कुछ भी कह देते हो, तो बिल्कुल एग्जैक्टली आप भी अपने पर्सन के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाओगे शादी के बाद कि आप सब कुछ कहोगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है शादी के पहले भी बहुत टाइम स्पेंड करोगे, फिर उस टाइम से ही आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, उसके बाद शादी करोगे तो फिर अलग ही आप लोगों का लाइफ होगा, मैरिड लाइफ। ओके, तो यहाँ पे कैंसर एक्वेरियस जोड़ी साइन आपके पर्सन का हो सकता है। इसके थ्रू ये पता चलता है कि आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे, ठीक है, किसी के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकते, सभी की हेल्प करते हैं, इमोशनल है, सेंसिटिव है। लाइक कभी आप इस पर्सन को कोई स्टोरी सुनाओगे या फिर अपने बारे में कुछ बताओगे जो कि आपका बैड एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, तो उस चीज़ को अपने ऊपर लेकर फील करके देखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैथ पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको उस वक्त बहुत प्यार करेंगे कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उस वक्त इस पर्सन की आंखों से आंसू भी आ जाएगी, या टेलीविज़न पे कभी किसी का न्यूज़ देखेंगे किसके साथ ऐसा हुआ तो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा दुख होगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये पर्सन का जो सोल है काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट होगा, प्योर होगा, और प्यार जो होगा आपके लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल और प्योर दिखाई दे रहा है। ओके, फाओ, यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, चाहे किसी भी धर्म से हो, ये पर्सन जो है स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हैं। उसके बाद दिखाई दे रहा है ह्यूमैनिटी में भी बिलीव रखते हैं, मतलब लोगों की मदद करना, लोगों से प्यार करना, ठीक है, चाहे एनिमल्स हो, एनिमल्स को दुख से बचाना, उनके लिए कुछ करना, सभी के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लविंग है, सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, चाहे वो इंसान हो, इंसान की बात तो अलग है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट प्यार दिखाई दे रहा है इंसान के लिए और उसकी तरफ। उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एनिमल्स से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, एनिमल लवर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, नेचर लवर है एंड एनिमल लवर है, ऑलराइट। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पर्सन ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे ट्रैवल्स कर रखे हैं, लाइक थाईलैंड, मलेशिया जैसे प्लेसेस पे इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, ठीक है। एंड और देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। पाइसिस, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप इस पर्सन को जानते हो, ठीक है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर आपके कोई क्रश है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके सोशल मीडिया पे बहुत सारे लाइक लॉर्ड बुद्धा के कोट्स वगैरह रहते होंगे, ठीक है, मुझे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करते होंगे, उनके कोट्स जो है काफ़ी प्यारे होते होंगे उनके सोशल मीडिया पे, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। उसके बाद बता रही हो आपके जो पर्सन है उनकी जोड़ी साइन पाइसिस भी हो सकती है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इस पर्सन का कमिटमेंट जो होगा वो काफ़ी डीप होगा, आपके साथ जो कनेक्शन होगा वो काफ़ी गहरा, काफ़ी इंटेंस होगा, ये पर्सन आपसे इंटलेसली प्यार करेंगे, अनकंडीशनली, कोई कंडीशन नहीं होगा प्यार में, ठीक है, उस तरह का प्यार होगा आप दोनों के बीच, ठीक है। और इस पर्सन की एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आप जितना प्यार करोगे उससे कई गुना ज़्यादा ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, ये पर्सन आपको कभी भी छोड़ के जाने नहीं देंगे, ओके, ये एनर्जी है। और पैशनेट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कभी गलती होगी तो पर्सन खुद आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगेंगे, ठीक है, तो ये एनर्जी है यहाँ पे। थोड़े से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है डिसीज़न लेने में इस पर्सन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन वगैरह हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा डिसीज़न है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें आ रही हैं तो डिसीज़न लेने में उस वक्त दिक्कत हो सकता है इस पर्सन को, ठीक है। सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा से बिल्कुल दूर रहते हैं, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, ओके, यस। टॉरस इनका जोडियक साइन हो सकता है, ये पर्सन जो है इनको नेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, नेचर लविंग पर्सन होंगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है अबंडेंट बहुत ज़्यादा होंगे, रिच होंगे, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, और शुरू से ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन बहुत रिच नहीं रहे होंगे, इन्होंने काफ़ी मेहनत करके खुद को अमीर रिच बनाया है, ठीक है, तो मेटेरियलिस्टिक थिंग से भी काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होंगे, पैसे से भी पर्सन अटैच्ड होंगे, इसलिए क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत से अपने खून पसीने से वो सारी चीज़ें अपने लाइफ में लाई है, चाहे उनका घर ही क्यों ना हो, चाहे घर का सामान ही क्यों ना हो, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है नेचर लविंग है, ठीक है, इनको नेचर ज़्यादा पसंद है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका घर जो है या फिर जहाँ पे आप शादी कर होके जाओगे तो काफ़ी नेचुरल प्लेस होगा इनका घर जो होगा, मतलब इनका ही सिर्फ घर होगा और अगल बगल गार्डन वगैरह होंगे, ठीक है, जहाँ से आप पूरे रेन को इन्जॉय कर पाओगे, रेनबोज देख पाओगे, हर तरह के मौसम को इन्जॉय कर पाओगे, ठीक है, तो नेचर लविंग काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं।
वाओ, वेनस का गार्ड है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, ओके, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, इनके आँख जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर होगी, चेहरा काफ़ी ज़्यादा एंगुलर होगा। बहुत सारे लोग जो है कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह करवाते हैं अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए। ये पर्सन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन रोमांटिक स्टाइलिश भी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे, स्टाइलिश भी होंगे, ठीक है। फैशन के फील्ड से भी ये पर्सन हो सकते हैं, ब्यूटिशियन कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। और राइट, और देखते हैं इनका जोडियक साइन स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है। इंटेंस एनर्जी है इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा, कोई भी काम को काफ़ी दिल से ऑनेस्टी के साथ करते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार भी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक तरीके से इंटेंसली करने वाले हैं, ठीक है। जो कनेक्शन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्योर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि पर्सन थोड़े सीक्रेटिव होंगे, मतलब पास्ट की एनर्जी को, हो सकता है पास्ट की बातें आपसे डिस्कस ना करें, और थोड़े पोसेसिव भी दिखाई दे रहे हैं, ओके। पोसेसिव यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपके जो पर्सन होंगे वो थोड़े से कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। या फिर कहने का यह मतलब है कि आप किसी अपोजिट जेंडर वाले से बात कर रहे हो तो इनको थोड़ा सा दुख हो सकता है, ठीक है। या फिर उस चीज़ को लेकर ये पर्सन झगड़ा कर सकते हैं कि आपने उससे क्यों बात किया, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और क्लैरिफाई करते हैं, ओके। यहाँ पे बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी दिखाई दे रही है कि फाइटिंग स्पिरिट इस पर्सन में काफ़ी ज़्यादा है। वैसे यहाँ पे पर्सन जो है स्मार्ट काफ़ी ज़्यादा होंगे, ठीक है, लुक्स वाइज बहुत अच्छे होंगे। और फाइटिंग स्पिरिट कहने का मतलब है कि ये जो पर्सन है कभी भी किसी के साथ गलत होते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। और जो भी एनर्जी इस पर्सन के अंदर अंदर है, पावरफुल एनर्जी है, ये तो है कि इस पर्सन के अंदर बहुत पावरफुल एनर्जी है, लेकिन उसका कोई गलत यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कभी किसी के साथ गलत हो रहा है तब उस वक्त अपने एनर्जी का यूज़ करते हैं, और राइट, काफ़ी हिम्मत, ये पर्सन आपके लिए एक स्ट्रेंथ बनकर रहेंगे, ठीक है, आपके साथ। जेमिनाई इस पर्सन का जूडिक साइन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो, ठीक है। कहने का ये मतलब है ये पर्सन जो है नई नई चीज़ों पे क्या करते हैं, काम करते रहते हैं, कुछ डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन साइंटिस्ट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और थोड़ी सी एनर्जी मिसचीवियस दिखाई दे रही है इस पर्सन की, और स्टेबल नहीं रहते हैं, ठीक है। कभी इधर रहना, कभी उधर रहना, मतलब कि कभी एक स्टेट में नहीं रहेंगे, ठीक है, कभी दूसरे स्टेट चले जाएंगे, मतलब कुछ चीज़ हमेशा हम क्यूरियोसिटी रहती है इस पर्सन के अंदर कुछ कुछ जानने की, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और जब भी इस पर्सन से आप मिलोगे, बातें करोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, जो कि आपको नहीं पता है, ठीक है। तो ये पर्सन नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा होंगे, ये एनर्जी दिखाई पड़ रही है, ओके। ये पर्सन आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी विजडम भरे होंगे, जो भी ये पर्सन काम करते होंगे पूरे ईमानदारी के साथ करते होंगे, ज़रा से भी गलती नहीं करते होंगे, या फिर कहीं भी चीटिंग नहीं करते होंगे, ये चीज़ें हैं। चैलेंजेस को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते होंगे, उससे डील करते होंगे, और उस पर जीत भी हासिल करते होंगे, ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पे कार्ड है, ये पर्सन योगा, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखते होंगे, काफ़ी हेल्दी पर्सन होंगे, ठीक है। और इनका दिमाग जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या रहता होगा, फ्री रहता होगा, ठीक है। मैंने आपको शुरू में ही बताया फ्रीडम लविंग पर्सन है, तो यहाँ पे भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ्री रहते होंगे, ठीक है, अपने काम को बहुत अच्छे से करते होंगे। और यहाँ पे ये है हेल्दी बहुत होंगे, कहने का मतलब है, ज़रा सा भी मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि इनका इम्यून सिस्टम ख़राब होगा, इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, ठीक है। और अपने एज से ज़्यादा जो है यंग ये पर्सन दिखाई देते होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इनका फेवरेट योगा हो सकता है, ठीक है, मेडिटेशन हो सकता है, और राइट, मैंने शुरू में बताया कि पर्सन स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना टाइम स्पेंड किया है, 1 महीना या 2 महीना कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे, लाइक वृंदावन हो गया, ठीक है, या फिर कहीं बौद्ध टेम्पल में अपना टाइम स्पेंड किया है, और अपने मन के शांति के लिए या फिर कुछ प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है इस पर्सन की। एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है, कैप्रिकॉन भी इनका जोड़ी साइन हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया ये पर्सन अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्या रहते हैं, जागरूक रहते हैं, कुछ कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली अपने काम को लेकर थोड़े बिजी भी रह सकते हैं, और सीरियस तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। और देखते हैं
ओके, ये पर्सन आपको कहीं रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पे ये पर्सन मिल सकते हैं। ये पर्सन जो है फैमिलियर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप होगा, इनका कोई बिजनेस भी हो सकता है, कुछ लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। लियो उनकी जोडियक साइन हो सकती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होगी, खुद पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते होंगे, वर्गो, डाउन टू अर्थ होंगे ये पर्सन, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है, जितना भी एनर्जी मैंने देखा यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, अपने पर्सन जो है ना काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, ठीक है, और बिज़ी रहेंगे। आफ्टर मैरिज के बाद भी ये पर्सन काम को लेकर बहुत ज़्यादा बिज़ी रह सकते हैं, ठीक है। एरिस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एरिस लियो, एरिस एंड लियो, मतलब ये पर्सन की जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा क्या है, थोड़े से हॉट टेम्पर्ड ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटे बातों पे गुस्सा हो जाना, लेकिन हाँ प्यार की कमी कभी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे ये पर्सन। और ये भी है कि ये पर्सन आपको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करने वाले हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई पड़ रही है, ठीक है। एंड चेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे आपके लाइफ में, ये पर्सन जब आपके लाइफ में एंटर करेंगे तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, इनलाइटमेंट आएंगे आपके लाइफ में, ये एनर्जी भी है। ऑलराइट, ओके, सो देखते हैं कि आपके जो इन लॉज होंगे वो कैसे होंगे। ओके प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसे होंगे इनके इन लॉज। द वर्ल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कहीं बाहर से हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन से आप कहीं ऑनलाइन मिलोगे, मैट्रिमोनियल साइट हो गया या फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के साथ जो है, मतलब आप जो है अपने इन लॉज के साथ नहीं रहोगे, ठीक है। पहली बात तो ये क्लैरिफाई हो रही है, आपके इन लॉज जो है वो दिखेंगे कि कैसे होंगे, लेकिन पहले तो ये क्लैरिफाई हो गया कि इन लॉज के साथ आपका जो है रहना सहना नहीं होगा, ठीक है। ये इन लॉज जो है आपसे दूर रहेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन लॉज के साथ आपकी उतनी जो है थोड़ी बहुत बनेगी नहीं, क्योंकि इन लॉज जो है थोड़े गुस्साल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लॉज से आप जो है अलग रहोगे, और आपका घर जो है काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस पे होगा, नेचुरल प्लेस पे होगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करें, इन लॉस के लिए स्पेशली दिखाई दे रहा है। तो इन लॉस के साथ आपका कनेक्शन मुझे उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ आप सोच लीजिए। और बाकी आपको सोच समझकर इन लॉस के साथ डील करना है, क्योंकि मुझे उतनी अच्छी एनर्जी इन लॉस के साथ नहीं दिखाई पड़ रही है। ओके, एंजल से कुछ क्लैरिफाई करते हैं आपकी मैरिज के लिए, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज एंजल्स। लिसन टू योर इंट्यूशन, अभी आप जो भी अपने लाइफ में काम करने जा रहे हो, कोई स्टेप लेने जा रहे हो, तो अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुने, उसके बाद काम करें, अपने इंट्यूशन को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और देखते हैं सक्सेस का कार्ड आया, आपका जो मैरिड लाइफ होगा वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ठीक है, ये क्लैरिफाई हो चुका है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ कोई रिश्ता आ सकता है, ठीक है, मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, या फिर जिसके साथ आपको उसके उससे आपको मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है। तो शादी होने के चांसेस बहुत जल्दी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे है रोमांस का कार्ड, जिससे भी आपकी शादी हो रही है ना, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मैरिड लाइफ आपका होगा, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप। अगर आप लोग सोचते हो कि आपकी शादी अब नहीं होगी, या फिर आपको बहुत अच्छे पर्सन नहीं मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेटली आपको बहुत पॉजिटिव पर्सन मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे पर्सन होंगे। राइट, और क्लियरिफाई करते हैं, देखिए यहाँ पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड आया है, मतलब ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो शादी है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, और काफ़ी ज़्यादा पीसफुल भी होगा। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, सपोर्टिव होंगे, थोड़े पॉसेसिव होंगे, थोड़े कंट्रोलिंग होंगे, जब आप कोई गलत स्टेप लोगे तो वहाँ पर आपको क्या कर सकते हैं, ये पर्सन रोक सकते हैं, और वाइस वर्सा की भी एनर्जी है, कहीं ये पर्सन गलती करेंगे तो आप इस पर्सन को सपोर्ट करोगे, आप इस पर्सन को रोकोगे उस चीज़ को करने से, ठीक है। इट्स अप टू यू, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने रिश्ते को कैसे बनाकर रखते हो, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पेरेंट्स होंगे वो आपको हमेशा ही सपोर्ट करेंगे, आपके पार्टनर को हमेशा ही सपोर्ट करेंगे, कभी फाइनेंशियली ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त भी आपके जो पेरेंट्स हैं हमेशा ही आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। देखिए शादी के लिए अभी आपको थोड़ी वेट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जो भी होगा, जिससे भी शादी होगी, काफ़ी पीसफुल होगा, ठीक है, अबंडेंस आएगा आपके लाइफ में। और देखते हैं एक लास्ट कार्ड, प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी जो है आपके पार्टनर से हो रही है, करेंट पार्टनर से, तो उसमें आपके जो फ्रेंड्स हैं
ठीक है, साथ साथ रिलेटिव्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे आपकी शादी में, ठीक है। तो काफ़ी धूमधाम से, काफ़ी अच्छे से आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। आपके जो पेरेंट्स हैं वो लोग आपको हमेशा ही सपोर्ट करेंगे, चाहे वो आपका लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि आप लोग जो है अगेंस्ट होकर, अगेंस्ट जाकर शादी कर लेते हो, तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके पेरेंट्स जो है आपका शुरू से ही साथ देंगे, चाहे आपका लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको प्यार करेंगे। तो आप जो है हर तरीके से सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हो अपने मैरिज के लिए, और पीसफुल रिजोल्यूशन, मतलब आपका जो मैरिड लाइफ होगा वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल दिखाई दे रहा है। ओके ऑलराइट, तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके पर्सन कौन से कंट्री के हो सकते हैं। ये पर्सन ईरान, फ्रांस, चाइना, यूएसए, जर्मनी, इंडोनेशिया, बेल्जियम, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, कनाडा, अफगानिस्तान, ओके, स्पेन, बांग्लादेश, आइसलैंड, इजिप्ट, ब्राज़ील, इंडिया, यूके, इराक, ऑस्ट्रिया, जापान, एक लास्ट लेंगे वो है डेनमार्क। तो ये सारे प्लेसेस हैं, कंट्री हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन से स्टेट से होंगे आपके पर्सन। गुजरात, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश, केरला, हरियाणा, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, सिक्किम, राजस्थान, गोवा, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटका, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, एक लास्ट लेंगे वो है मेघालय। ओके, सो ये सारे प्लेसेस है, स्टेट है जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा। आप क्लैरिफाई कर सकते हो कि जिसके साथ आप हो वही तो नहीं ये पर्सन। ओके, जे एल के बी वाई आई एफ, यहाँ पे है जी आर एम डब्ल्यू एस ई ओ ए टी वी क्यू एन सी यू, एक लास्ट लेंगे वो है पी। ओके, सो आपके पर्सन के ये सारे नेम इनिशियल हो सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट टाइम आप अपने पर्सन से कहाँ मिलोगे। तो यहाँ पे आया फूड कोर्ट, म्यूज़ियम, बुक स्टोर, होटल, बेकरी, होली प्लेसेस, होम, पार्क, फ्रेंड्स के बीच में मिल सकते हो, एयरपोर्ट, पुलिस स्टेशन, स्टोर, पब, डिस्को, मॉल, एयरपोर्ट, सिनेमा, वर्कप्लेस, एयरपोर्ट अगेन, जू, एक लास्ट देखेंगे वो है मॉल एंड पार्क। ओके, सो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आप अपने पर्सन से फर्स्ट टाइम मिल सकते हो। आपके पर्सन का प्रोफेशन क्या होगा। जज, सिविल सर्वेंट, ब्यूटिशियन, नेवी ऑफिसर, साइंटिस्ट, बैरिस्टर, सिंगर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एयर होस्टेस, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, नर्स, हेयर ड्रेसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एयरफोर्स ऑफिसर, मैजिशियन, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, स्टेट पीसीएस, एक्टर, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गेम मेकर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हीलर, डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगेन, एस्ट्रोलॉजिस्ट, सिविल सर्वेंट, मेकअप आर्टिस्ट, ओके, टीचर, ट्यूटर, एक लास्ट लेंगे एडवोकेट के बाद वो है बैंक कलर। ओके, सो ये सारे प्रोफेशन है आपके पर्सन के। आपके पर्सन का लुक्स कैसा होगा और नेचर क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आया स्टनिंग,
देन यहाँ पे आया वंडरफुल, प्रिटी, ओके, गॉडेस लुक, अट्रैक्टिव, एंजेलिक लुक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आउटस्पोकन, शॉर्ट हेयर, एलिगेंट, सुपर क्यूट, फूडी, रिलीजियस, ओके, ब्रिटिश कलर, पेट्स रखने वाले होंगे, एनिमल लवर होंगे ये पर्सन, ठीक है, लवली, फैब्यूलस, राउंड आईज, एक लास्ट देखेंगे वो है फुल लिप्स, ओके। सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टाग्राम के थ्रू। यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। सो बाय एंड टेक केयर।